पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि वो अब किसी को भी पाकिस्तान क्रिकेट को गिराने या बदनाम करने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन रमीज राजा ने विकेटकीपर बल्लेबाज कमरान अकमल को मीडिया में पाकिस्तान टीम पर झूठे तनकीद और हतकमेज तबसर करने पर कानूनी नोटिस भेजवा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं उनको भी कानूनी नोटिस भेजे जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी की कानूनी टीम को कहा गया है कि अगर किसी भी सभी खिलाड़ी के अपने यूट्यूब चैनल या टीवी पर किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी या क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ तोहिन अमेज हतकमेज जाती और झूठे तबसरे हो तो पीसीबी की टीम फौरी कार्रवाई करे। कई सबक क्रिकेटर्स पाकिस्तान के पहले दो मैचों में शिकस्त के बाद और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम पर तनकीद करते हुए काफी सख्त थे। कुछ लोग कप्तान बाबर आजम पर भी शदीद तनकीद करते हुए कप्तानी से हटाने का मुतालबा कर रहे थे। वैसे आपके हिसाब से रमीज राजा साहब ने सही किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा।